मैं नम्रता गुप्ता नम्रताज हेल्दी क्यूजिन में आपका स्वागत करती हूँ। आपने चटनियाँ तो बहुत बनाई होंगी, मगर मैं आज आपको नई तरीके से चटनियाँ बनाना सिखाने जा रही हूँ, जो कि सबको बहुत पसंद आती हैं और जो आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। पहली है टमाटर के साथ खड़े मसाले की चटनी, दूसरी है हरे धनिया पुदीने की चटपटी चटनी। चलिए शुरू करते हैं साबुत खड़े मसाले की चटनी। तो इसमें अपन डालेंगे साबुत हरे धना, जो 3 से 4 चम्मच होंगे, 3 से 4 लाल मिर्च सूखी हुई, थोड़ी सी हींग, हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें अमचूर जो है अपन 1 चम्मच लेंगे, क्योंकि इसमें अमचूर अच्छा पड़ता है। 3 से 4 कली लहसुन की, खड़ा हुआ जीरा भुना नहीं है, इसमें जो अपन हरा धनिया है उसको ऐसे ही तोड़ के डाल देंगे, टमाटर 3 से 4 टमाटर लिए हुए हैं मैंने और इनको बड़ा बड़ा काटा हुआ है, नमक स्वाद के अनुसार, इसको पीस लेंगे और ये चटनी बनके तैयार हो गई है, जिसको अपन निकाल लेते हैं। देखिए इसको स्मूथली नहीं पीसना है, इसको ऐसे दरदरा पीसना है, तभी इसका स्वाद डबल हो जाता है और ये किसी भी स्नैक्स, किसी भी पराठा पूरी और पिज्जा के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो रेडी है अपनी ये टमाटर की खड़े मसाले की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं हरे धनिया पुदीने की चटनी। इसमें हरा धनिया लेंगे अपन मोटा मोटा, पुदीना मैंने थोड़ा सुखा के रखा था, 3 से 4 हरी मिर्च, ये कैरी मैंने प्रिजर्वेटिव करके रखी थी घर पर, तो वो 2 पीस डालूंगी मैं। मसाले डालते हैं अपन इसमें, हींग, भुजा जीरा आधी चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च, काला नमक स्वाद के अनुसार, सफेद नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें जीरा डालेंगे खड़ा थोड़ा सा, इसको अपन पीस लेते हैं। इसमें पीसने से पहले थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, तो चलिए बनके तैयार हो गई है चटपटी हरे धनिया पुदीने के साथ चटनी। इसको अपन निकाल लेंगे चम्मच की सहायता से, ये रेडी है। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? आशा करती हूँ कि जब आप यह चटनियाँ बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, लाइक दबाना नहीं भूलिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए आगे अपडेट के लिए। थैंक यू।